दोस्तों, हमारे बेटे शुगा काफ़ी ज़्यादा शांत नेचर के हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है या फिर क्या नहीं, वो ज़्यादा नहीं बोलते। हालांकि दोस्तों, शुगा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि उनका दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है। और दोस्तों, ऐसे ही एक इंसिडेंट की बात हम आज अपनी इस वीडियो में करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शुगा से प्यार करते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आर्मी बीटीएस से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि बीटीएस बहुत ही अच्छे गाने बनाते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीटीएस के सभी मेम्बर्स दिल के बहुत ही ज़्यादा साफ हैं और उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। और दोस्तों, ऐसी एक स्टोरी हमारे सामने आई जिसके बाद शुगा ने सभी आर्मी का दिल जीत लिया। दोस्तों, असल में इस स्टोरी को बताया था बिग हिट के फॉर्मर ट्रेनी यानी जी हुन ने। दोस्तों, असल में जी हुन ने बताया कि ये इंसिडेंट 2011 का है। ये तब की बात है जब शुगा और बाकी सभी बीटीएस के मेंबर बीटीएस में ज्वाइन हुए थे और उन्होंने अपनी जर्नी एज ट्रेनी स्टार्ट करी थी। और दोस्तों, तभी एक बहुत ही खास इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद जी हुन शुगा से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहां पर आपके लिए काफ़ी सारे बीटीएस से जुड़े प्रोडक्ट्स का लिंक रखा है। तो दोस्तों, जी हुन ने बताया कि उस दिन उनके साथ काफ़ी खास हुआ था। असल में दिन की बात है जब सभी मेंबर्स एक साथ बैठे थे, तब जे होप आए और उन्होंने सबको अपना खाना शेयर करा जो कि उनकी मदर ने भिजवाया था। दोस्तों, जी हुन ने बताया कि खाना खाने के बाद सभी मेंबर सोने चले गए थे। लेकिन दोस्तों, रात में अचानक से जी हुन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। दोस्तों, जी हुन ने ये भी बताया कि उन्हें उल्टियाँ होने लग गई थी और उन्हें अचानक से चक्कर आ रहे थे। ऐसे में अचानक से शुगा उनके पास आए। दोस्तों, जी हुन ने बताया कि शुगा ने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी और इस बात का ध्यान रखा कि जी हुन की कंडीशन सही हो गई है। दोस्तों, इसके साथ साथ शुगा ने जी हुन को तुरंत हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कराया। दोस्तों, जी हुन ने बताया कि ना कि सिर्फ शुगा ने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, बल्कि शुगा रात भर उनके साथ हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे। वो रात भर जगे थे और इस बात का ध्यान रख रहे थे कि जी हुन को कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, इसके साथ साथ शुगा ने जी हुन के हॉस्पिटल के बिल्स भी भरे थे। दोस्तों, जी हुन ने बताया कि जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी और जल्दीबाजी में हॉस्पिटल में जाने की वजह से वो अपने वॉलेट घर पे ही भूल गए थे। और दोस्तों, शुगा ने बिना सोचे अपनी काइंडनेस दिखाते हुए जी हुन के बिल्स भी भरे थे। दोस्तों, जी हुन ने बताया कि जब भी कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब यूजुअली फीस ज़्यादा लगती है। लेकिन शुगा ने एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ जी हुन की मदद करने की सोची और उन्होंने सारे पैसे दे दिए। दोस्तों, जी हुन ने बताया कि शुगा के इस एक्ट ऑफ काइंडनेस से वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने शुगा से एक सीख ली और उन्होंने ठाना कि वो जिंदगी में हर किसी की हमेशा मदद करेंगे। और दोस्तों, आगे चल के जी हुन ने भी बीटीएस के सभी मेंबर्स की काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। जब भी उन्हें कोई ज़रूरत होती थी तो जी हुन हमेशा उनके लिए हाजिर रहते थे। दोस्तों, जी हुन ने ये भी बताया कि उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगा कि शुगा ने उन पर इतनी ज़्यादा काइंडनेस दिखाई और उन्होंने शुगा से ये बात सीखी कि हमें हर स्थिति में दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सिर्फ शुगा ही नहीं बल्कि बीटीएस के सभी मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं और अच्छे हैं। और दोस्तों, इसीलिए बीटीएस ने अपनी एक कैंपेन भी शुरू करी थी जहां वो लोगों की हेल्प करते हैं और उनके लिए डोनेशंस इकट्ठे करते हैं। दोस्तों, यहां तक कि बीटीएस अपनी सेल प्रोसीड्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा डोनेशन में दे देते हैं और लोगों की पढ़ाई में और उनकी लाइफ को अच्छी करने में उनकी मदद करते हैं। और दोस्तों, यही एक खास रीज़न है जिसकी वजह से आर्मी बीटीएस से इतना ज़्यादा प्यार करती है। और दोस्तों, बीटीएस के सभी मेंबर्स हमेशा अपने लिए सबकी मदद करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।